मैं राजीव बंसल आपके प्रिय चैनल हासी की आवाज़ पर फिर मुखातिब हूँ आपसे, मुखातिब हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जिसने अपने प्रोफेशन को, डॉक्टर प्रोफेशन को जिया है। आप इस KBC यानी कि कौन बनेगा करोड़पति जाने के लिए कितने साल से प्रयास है, कितने साल से एफर्ट कर रही है, ये एंडेवर है कितने साल से कर रही है? जब KBC 2000 में शुरू हुआ जी, तो मुझे तभी से यूँ था कि ये तो गेम शो बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपकी नॉलेज भी है जो बढ़ रही है और आपको यहाँ पर पैसे भी मिल रहे हैं, तो क्यों ना इस शो में अप्लाई किया जाए। तो मैंने 2000 से ही इस गेम के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था और मैं तब से ही, किताबें तो हम पहले भी पढ़ते थे लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ना वो भी इसके बाद शुरू कर दिया था क्योंकि वो सारे के सारे करंट क्वेश्चंस होते थे। फिर मुझे लगता था कि ये शो काम का है, इसमें पैसे भी हैं, इसमें प्रसिद्धि भी है, इस शो में ज़रूर जाना चाहिए। हु इंस्पायर्ड यू? बच्चन साहब। बच्चन साहब KBC की आप व्यूअर हैं बराबर? हाँ जी बिल्कुल, मैंने इनका हर सीजन देखा है और मैं हर बार फॉलो करती हूँ। हर बार फॉलो करती हूँ। आपकी एक बेटी भी है? हाँ जी। तो बेटी ने आपको क्या कुछ गाइडलाइंस दी हैं? बेटी की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है तो उसने मुझे ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ बताया। मेरी ज्योग्राफी बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि हमने पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन उसकी ज्योग्राफी बहुत अच्छी है तो उसने मुझे ज्योग्राफी के बारे में काफ़ी कुछ बताया। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए? हाँ जी। आपका गांव बिल्कुल उपमंडल के साथ है? हाँ जी, राजस्थल गांव है मेरा। हाँ। जहाँ पे हम पढ़ते थे। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं 4th क्लास तक, मेरे बाबूजी अध्यापक थे दिल्ली कंझावला स्कूल में, मैं 4th तक वहाँ थी, उसके बाद मेरे बाबूजी रिटायर हो गए, फिर हम अपने गांव राजस्थल में आके रहने लगे। तो राजस्थल में स्कूल था मिडिल स्कूल 8th तक, तो 8th तक मैं राजस्थल में थी, 9वीं और 10वीं मैंने नारनौंद से की, उसके बाद फिर मैंने 11th और 12th, उन दिनों में प्रेप प्री मेडिकल कहते थे, वो मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जींद से की। उसके बाद मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था, फिर मैंने मेडिकल कॉलेज रोहतक से MBBS और अपना जो गायनी का डिप्लोमा था DGO वो मैंने मेडिकल कॉलेज रोहतक से किया। एक ऐसे हॉट यानी कि 70-78 साल के ऐसे हॉट जो हमेशा रहे फिल्मों में, आइकॉन रहे, हम सब के आदर्श रहे, जिनकी आवाज़ रही, उनके सामने जब आप बैठेंगी तो क्या आपको कुछ नर्वस ब्रेकडाउन भी होगा क्या, जो आपके मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं? आपको लग रहा है अभी से फीलिंग हो रही है? वो समय बताएगा। वैसे तो मेरे अंदर भगवान ने बहुत सारी पेशेंस दी है, वो समय बताएगा वहाँ पर क्या घटित होने वाला है, पर ऐसे नर्वस होने वाले लोगों में मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत सीरियस पेशेंट्स भी डील करती हूँ और मैं कभी अपना टेम्पर और अपनी पेशेंस और मेरी जो कूलनेस है वो मेरी पहचान है। ये किसको डेडिकेट करेंगी आप वहाँ के भी से जाने की, किसको श्रेय देती है? मेरे माता जी और बाबू जी। अच्छा, वे आपके आदर्श भी रहे? मेरे आदर्श मेरे माता पिता जी। नमस्कार मैम। मिलते हैं दोस्तों, आपने हंसी की आवाज़ को बहुत मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया, आप इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम दिखाएंगे डॉक्टर उर्मिल दत्तरवाल का पूरा इंटरव्यू।